bring you up. Yeah, come on. Hi guys, welcome back to my channel Prettify by Surbhi. In today's video, I'm going to review different flavors of Roop Mantra face washes. So I'm going to talk about cucumber, aloe vera, mixed fruit and lime and mint. So I have used these products for more than 1.5 months before doing this review. Baat kare Roop Mantra as a brand ki, Roop Mantra, as you all know, is known for its Ayurvedic properties and Ayurvedic products. Roop Mantra's Ayurvedic face cream is something which is extremely useful and very good. उसका product की quality बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर आपने ads देखे हो, प्रीति जिंटा is the brand ambassador. Roop Mantra ने अपने face washes भी launch करे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. They are very natural, they are Ayurvedic and they have those herbal qualities. स्टार्ट करते हैं बात करना इन प्रोडक्ट्स की. तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे फेवरेट फ्लेवर एलोवेरा की. नाउ एलोवेरा इज समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव. किसी भी प्रोडक्ट में एलोवेरा होता है वो मेरा फेवरेट बन जाता है. तो ये मेरा फेवरेट है अमंगस्ट ऑल दीज फोर फेस वॉशेस. बात करें क्वांटिटी की, तो इट हैज 100 ml ऑफ प्रोडक्ट इन दिस ट्यूब विथ 15 ml एक्स्ट्रा. इट रिटेल्स फॉर ₹83 में ये प्रोडक्ट आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है. ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजोन, स्नैपडील, ईबे, फ्लिपकार्ट, इन सब जगह पे आपको इजीली ये फेस वॉशेस अवेलेबल हैं. इसकी पैकिंग मुझे थोड़ी कम पसंद है, क्योंकि मुझे इसकी जो पैकिंग है थोड़ी फ्लिमजी लगती है, बहुत डेलिकेट लगती है. मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली ना हो, तो ये थोड़ा मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है. बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट. मैं इसका आपको दिखाऊं, मैंने इसका एलोवेरा फेस वॉश सबसे ज़्यादा यूज़ करा है. सो आई हैव वन, आई होप यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी यूज टू मच ऑफ दिस प्रोडक्ट. अगर आप देखें, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है. इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट लगती है. मुझे लगता है ये थोड़ा सा थिक होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसको ओपन करते ही इसमें से प्रोडक्ट बाहर आ जाता है. तो इस वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है. बट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज एब्सोल्यूटली ग्रेट. मैं नॉर्मली जोवीज का ग्रेप्स फ्लेवर फेस वॉश यूज करती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और मैं उसको ऑलमोस्ट 6 to 7 years से यूज कर रही हूँ. बट आफ्टर यूजिंग रूप मंत्रा एलोवेरा फेस वॉश के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये क्या यूज कर लिया या अच्छा प्रोडक्ट नहीं है. इट रिफ्रेशेज माई स्किन एंड एज इट सेज इट रिमूव्स फेशियल स्किन डर्ट विच प्रिवेंट्स blemishes and pimples. It actually does that. जब से मैंने इसको यूज करा है मेरे फेस पे एक भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है. इट मे बी अ कोइंसिडेंस ऑफ कोर्स, आई एम नॉट सेइंग कि इसको यूज करने से पिम्पल्स नहीं होते, बट मेरे को स्पेसिफिकली इस 1.5 महीने में एक भी पिम्पल नहीं हुआ, एक भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, एंड आई वॉज यूजिंग दिस फेस वॉश. बात करें प्रोडक्ट के स्मेल की, इट स्मेल्स ग्रेट. हर फ्लेवर का अपना स्मेल है. जैसे लाइम एंड मिंट है, तो अगर आप लाइम एंड मिंट को करेंगे तो आपको इसको स्मेल करने पे ऐसा लगेगा जैसे आप फ्रेश लेमन लाइम को और मिंट को, मेंथॉल को मिक्स करके फेस पे यूज कर रहे हैं, तो जो कि बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है. अगर आप क्यूकम्बर यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा आप एक्चुअली खीरे का रस निकाल के उससे फेस वॉश कर रहे हैं. अगर आप मिक्स फ्रूट यूज करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने थोड़े कुछ फ्रूट्स को, रॉ फ्रूट्स को निकाल के उसको क्रश करके उससे फेस वॉश कर रहे हैं. तो उस तरह का स्मेल और प्रॉपर्टीज इसमें है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है फेस पे. इट क्लियर्स आउट स्किन इम्प्योरिटीज एंड डर्ट कम्प्लीटली एंड इट डजंट हैव दोज केमिकल्स बिकॉज इट्स आयुर्वेदिक एंड हर्बल. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मैं इसका कोई डेमॉन्स्ट्रेशन नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू शो हाउ यू नीड टू यूज अ फेस वॉश. आई एम प्रीटी मच श्योर आप सबको फेस वॉश यूज करना आता है. इन सब के बस इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ. लाइम एंड मिंट इज समथिंग विच इज वेरी गुड फॉर रिमूविंग ड्राइनेस एंड रफनेस. इट ऑल्सो कंट्रोल स्किन फ्रॉम क्रैकिंग. तो अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ ड्राइनेस एंड क्रैकिनेस ऑन दी फेस. अगर आप मिक्स फ्रूट यूज करते हैं देन इट रिमूव्स फेशियल स्किन डर्ट विच प्रिवेंट्स ब्लेमिशेज एंड पिम्पल्स. तो इसका रिजल्ट और एलोवेरा का रिजल्ट सेम है. इट डिपेंड्स नाउ ऑन योर प्रायोरिटी इफ यू वॉन्ट टू यूज फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट और यू वॉन्ट टू यूज स्पेसिफिकली एलोवेरा. नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्यूकम्बर. क्यूकम्बर हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लेमिशेज एंड पिम्पल्स एंड प्योरिफाइज द स्किन. तो
ये अगर आपको पिंपल जो ब्लेमिशेस को क्योर करना है देन यू शुड गो इन फॉर क्यूकम्बर बेस्ड फेस वॉश. मेरे को स्पेसिफिकली क्यूकम्बर बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है. मैं किसी भी फॉर्म में चाहे मैं टोनर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि क्यूकम्बर बेस्ड है वो यूज करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है. बट आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट अदरवाइज not too many times, but yes, I've used it like 4-5 times and it gave me good result. It clarified my skin. But since I'm not a huge fan of cucumber based products, I did not use it too much. I have been a huge fan of aloe vera and mixed fruit. So I will definitely recommend these two. मुझे ये personally बहुत ज़्यादा affordable लगे. और अगर आप ऐसा कोई product use करना चाहते हैं जो कि बहुत ही natural, ayurvedic और herbal जिसमें properties हो और जो कि pocket friendly भी हो, then you should definitely try Roop Mantra face washes. So I will definitely like to give a huge thumbs up to Roop Mantra face washes. Before I conclude this video, I want to also tell you that these face washes were sent to me by Roop Mantra for review. तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि मैं प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा बोलूं. उन्होंने भी मुझे सिर्फ ये बोला कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू करूं. So I have really used these products and I have personally liked them and that's why I am recommending you this. By any means on my channel, I will not recommend any product that I have not used or I don't like or I don't approve of because I really don't want to lose all of you. And if you find this video useful, then don't forget to give me a cute little thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Keep smiling, keep shining, stay pretty, take care.